समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने पूर्व महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में बुधवार को नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह से मुलाकात कर आगामी बकरीद और रक्षाबंधन त्योहार के पर्व पर सभी वार्डों में समुचित साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, छिड़काव और ट्रॉली लगाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्षदों ने नगर आयुक्त से बकरीद त्योहार पर होने वाली कुर्बानी से बचे जानवरों के अवशेष को डिस्पोजल कराने के लिए नगर निगम द्वारा ट्रॉली लगाने की अपील की। इस दौरान अशोक यादव, संजीव सिंह, सोनू, अनीश अहमद, साहब अंसारी, विश्वजीत त्रिपाठी, जुबेर अहमद सहित अन्य पार्षदगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने कहा, सेल्फी लेंगे बना के उनके कार्ड डालिए लगेगी ना। और जहाँ आपके आपकी जो है 70-75 के ऊपर 25 मिल रही है, वही तो कहना सबसे 75 समझ पा रहा है। जो डिस्पोजल यहाँ होता था गड्ढा के ठीक, और गाड़ी जो चिन्हित स्थान था जहाँ जहाँ पहले से चिन्हित स्थान है, पिछले 25-30 सालों पर सब लगे पक्का नहीं आई है। आज समाजवादी पार्टी गोरखपुर नगर निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त को जो बकरीद और रक्षाबंधन का पर्व है उसके संबंध में ज्ञापन दिया। सूत्रों से ज्ञात हुआ रहा था कि नगर निगम जो है कुर्बानी के सिलसिले में टाली और मैजिक और का इंतजाम नहीं करेगी, और क्योंकि 28 तारीख से लगाए और 4 तारीख तक जो है लॉकडाउन जो जिला प्रशासन ने घोषित किया है, जिला प्रशासन ने कहा कि कुर्बानी अपने घरों में करो, तो हम लोग घरों में करने और निजी स्थानों पे और घरों में करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, मगर अगर टाली नहीं निकलेगी और टाली नहीं लगेगी तो जो जानवरों का अवशेष है उसका निस्तारण कैसे होगा, और लोग अवशेषों को अपने घर में रखेंगे तो महामारी फैलेगी, और कूड़े पड़ाव पे फेंक देंगे या सड़कों पे फेंक देंगे तो महामारी पे फैलेगी। नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर को हम लोगों ने आज ज्ञापन देकर ये मांग किया कि टाली की व्यवस्था कराई जाए और पूर्व की भांति इसका इंतजाम देखा जाए बकरीद का। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जैसे पूर्व के भांति टाली और डिस्पोजल जो होता है उसे जानवरों का उसे उसका पूरा कराया जाएगा, छिड़काव भी कराया जाएगा, और रक्षाबंधन के त्यौहार पर समुचित सफाई व्यवस्था कराई जाएगी, हर जहां सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जाएगा और पूरी व्यवस्था की जाएगी। हम जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं विशेष तौर से आपके माध्यम से कि जो लॉकडाउन घोषित किया गया है त्यौहार के स्तर पे, खास तौर से जो मिठाई बेचने वाले हैं जिन्होंने मिठाई बना के रख लिया था 4 थाना क्षेत्र के अंदर, उनकी मिठाई का इंतजाम कैसे होगा, वो कैसे अपने सामान को बेच पाएंगे, अगर नहीं बेच पाएंगे तो निश्चित तौर से उनके पास बहुत बड़ी आर्थिक क्षति उनकी हो रही है, और जो लोग राखी खरीद के लाए थे और छोटी छोटी दुकानों पर बेचना बेच रहे थे सारी दुकानें बंद हो गई, उनकी आर्थिक क्षति होगी, उसका भी जिला प्रशासन इंतजाम कराने का काम करे, नहीं तो हम लोग संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे।